ये देखें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जकी पेट्स। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें। आज मैं स्नेक को फीडिंग करवाऊँगा। ये एक चिक, ये देखें छोटा सा चूज़ा है, इसको ये मैंने खिलाना है। तो इसने भी अपनी स्किन वगैरह चेंज कर ली, आपको नज़र आ रही होगी ये स्किन, ये पीछे पड़ी हुई है वो, बाकी इसकी टेल वगैरह के ऊपर से उतर रही है वो, आपको नज़र आ रही होगी पीछे पीछे ये उतर रही है। अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा ये चूज़ा, तो फिर आगे आपको मैं दिखाता हूँ। ये आप स्किन देखें, ये री ज़रा मैं इस चूज़े को उधर करके फिर आपको आगे दिखाता हूँ। स्नेक अब एक्टिव हो गया थोड़ा सा, उसी को देख रहे थे। इसको यहाँ पे मैंने जब पहले दिया था दाना वगैरह डाला था, तो इसको यहीं पे खाना खा रहा है, तो ये उसी को देख रहा है। अच्छा, ये जो मैंने पानी का बर्तन इसका बड़ा कर दिया है, पहले आपने देखा होगा मैंने छोटा रखा हुआ था, लेकिन अब ये गर्मी ज़्यादा हो गई और वैसे भी स्किन वगैरह चेंज कर रहे हैं, तो इसके लिए पानी वगैरह का बर्तन ज़्यादा बड़ा चाहिए होता है। ये स्किन उस वक्त चेंज करते हैं जब अपनी लेंथ वगैरह बढ़ाते हैं, थोड़े लंबे जब होते हैं ना, कब ये स्किन वगैरह अपनी चेंज करते हैं। अभी थोड़े दिनों तक मेरे पास आने लगा पाइथन, फिर आपको उसका दिखाऊंगा मैं फीडिंग का। ये देखें, अभी फुल भूखा है ये। अब मैं इसके अंदर छोड़ता हूँ ये, फिर अगर किसी को स्नेक वगैरह चाहिए तो वो मेरे से कांटेक्ट करे, उसको जैसा मांगेगा वैसा मिल जाएगा। अब इसका पूरा एक्वेरियम साफ होने वाला है, देखें जरा कितना गंद वगैरह आ गया, क्योंकि स्किन वगैरह जब चेंज करते हैं तो गीले होते हैं, पानी से निकलते हैं, यहाँ पे रेत वगैरह में जाते हैं, तो इसकी वजह से ज़रा थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, पानी वाला बर्तन निकाल लेता हूँ, जिसकी वजह से इसको साफ नज़र आएगा, फिर ये अटैक करेगा इस पर। ये देखो मैंने निकाल लिया, अब आपको स्किन भी इसकी नज़र आएगी, सारी सामने पड़ी हुई है। इसको भी समझ आ गई कि मैं हिलूंगा तो मुझे खा लेगा वरना नहीं, इसलिए हिल ही नहीं रहा। ये देखें अटैक कर दिया इसने।
ये सेकंड की गेम होती है, जैसे इसने पकड़ा और इसका ऊपर इसने राउंड कर देना, उसी वक्त इसकी सांस वगैरह बंद हो जानी, वो इसका मुंह भी नजर आ रहा होगा चूजे का। ये देखें, ये इसको टाइट कर रहा है, जैसे जैसे आगे हो रहा है इसका मतलब इसको टाइट करी जा रहा है। ये इसकी स्किन है। अब चूजे की जान वगैरह निकल गई, मर गया ये। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके ऊपर आपको स्किन उतरती हुई नज़र आ रही होगी, जैसे ये पीछे को। आप में से अक्सर लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक शेयर और कमेंट नहीं करते, ना सब्सक्राइब करते हैं, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें और साथ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है।
जैसे आज इसने फीडिंग वगैरह की है, अब इसके तकरीबन 2 दिन तक मैं इसकी हैंडलिंग वगैरह नहीं करनी, तो उसके बाद इसको मैंने एक बात ही नहीं, क्योंकि जितनी भी स्किन ऊपर रहेगी थोड़ी बहुत ही आपको नज़र आ रही होगी कि ये सारी एक मरतबा उतर जाएगी, और उसके साथ ही एक्वेरियम वगैरह मैंने बिल्कुल साफ़ कर देना है। ये आपको पीछे नज़र आ रही होगी, ये यहाँ तक इसकी पहुँच गई गर्दन चूजे की, और ये बाकी पूरा आगे तक है। मैंने स्नैक के लिए रेड वगैरह मंगवाए हैं, उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक रेड्स वगैरह मेरे पास आ जाएंगे, फिर उसकी वीडियो मैं डालूंगा। ये देखें यहाँ से स्किन उतार रही है, वैसे बिल्कुल चेंज हो गई, जहाँ जहाँ पे थोड़े थोड़े रह गए हैं स्पॉट्स वहाँ वहाँ पे हैं, तो ये कि उम्मीद है कि खुद ही उतार ले, नहीं उतारेगा तो फिर इसको बात देना पड़ेगा, तो उसमें तो लाजमन बात है कि उतर जाएगी। ये देखें इसकी चोंच भी आपको नज़र आ रही होगी, चूजे की पीछे पीछे जा रही है लड़की ना। ये खा गया बस तकरीबन पूरा, थोड़ा सा बाहर रह गया वो भी इसके पंजे वगैरह, तो बाकी सारा अंदर है इसके। आपको ऊपर से बाहर चल रहा होगा, ये यहाँ से लेके पूरे एंड तक है। ये पूरा खा गया है, तो अब ये के जैसे हल्का हल्का पीछे लेके, अब ये पीछे लेके जा रहा है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपको मिलूंगा मैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू।